देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे आज़ादी का अमृत महोत्सव के क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आह्वान पर गोरखपुर समेत सूबे के 75 जनपदों में कम से कम 75-75 अमृत सरोवर निर्मित होंगे। प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में भी 75-75 अमृत सरोवरों का निर्माण होगा। 15 अगस्त तक इन अमृत सरोवरों का निर्माण पूर्ण करने का लक्ष्य है, ताकि जश्न आज़ादी पर ये सरोवर पानी से लबालब दिखे। पीएम मोदी और सीएम योगी जल संरक्षण को लेकर सदैव संवेदनशील रहते हैं। इसी क्रम में आज़ादी के अमृत महोत्सव में भी जल संरक्षण हेतु अमृत सरोवरों की परिकल्पना को साकार करने का अभियान शुरू किया गया है। सीएम योगी के आह्वान और उनके निर्देश पर जनपदीय प्रशासन ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। निर्मित होने वाले इन अमृत सरोवर पर निगरानी रखने के लिए बाकायदा MIS पोर्टल निर्मित किया गया है। अमृत सरोवरों का विकास ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों के केंद्रीय वित्त टाइड और अनटाइड राज्य वित्त आयोग एवं मनरेगा में मिलने वाली धनराशि से किया जाएगा। इसके लिए शासन स्तर से हर जिले को कम से कम 1 एकड़ क्षेत्रफल के 100-100 तालाब की सूची उपलब्ध करा दी गई है। प्रत्येक जिला पंचायत कम से कम 5 अमृत सरोवरों, प्रत्येक क्षेत्र पंचायत में कम से कम 3 अमृत सरोवर का निर्माण करेगी। गोरखपुर में उपलब्ध सूची के आधार पर सत्यापन एवं सर्वेक्षण के लिए आदेश DM विजय किरण आनंद ने दिए हैं। इन सरोवरों में साल भर जल की उपलब्धता बनी रहे, इसके इंतजाम भी किए जाएंगे। इन्हें मुख्यतः वर्षा जल संचयन कर भरा जाएगा। अमृत सरोवर के तट पर नीम, पीपल, कटहल, जामुन, बरगद, सहजन, पाकड़ और महुआ आदि के पौधे लगाए जाएंगे। इन सरोवर का निर्माण हर हाल में 15 अगस्त तक पूर्ण करना होगा। जिलाधिकारी ने अमृत सरोवरों के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने बताया कि कार्य योजना में सरोवर की GPS टैगिंग होगी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, वरिष्ठ नागरिक अमृत सरोवर का भूमि पूजन करेंगे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं शहीदों के गाँव को सरोवर चयन में प्राथमिकता मिलेगी। अमृत सरोवर में गांव की नालियों का पानी ना जाए यह सुनिश्चित किया जाएगा। इसे वर्षा जल से भरना होगा, जिसके लिए समुचित इनलेट की व्यवस्था की जाएगी। बारिश जल सरोवर तक पहुंच सके, इसके लिए आवश्यक चैनलाइजेशन भी किया जाएगा। पानी के आगमन पर आवश्यक स्क्रीन एवं सिल्ट चैम्बर का निर्माण किया जाएगा। CDO ने बताया कि कार्य योजना बनाने के लिए जल्द ही संबंधित कर्मचारियों को प्रशिक्षित भी किया जाएगा। इस काम से न केवल स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, बल्कि बारिश के जल का संरक्षण कर भूमिगत जल का रिचार्ज बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने कहा, आज़ादी का 75वें अमृत महोत्सव ज़्यादातर कुछ तालाबों के, इसमें जो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हर जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें 75 जो तालाब लेके आज़ादी के अमृत महोत्सव में अमृत सरोवर बनाने का निर्देश दिया गया है। गोरखपुर के लिए 100 तालाब चिन्हित किए गए हैं। इन तालाबों को जो हमारा स्टैंडर्ड वहाँ से एक स्टैंडर्ड एस्टिमेट या स्टैंडर्ड एक प्रोटोकॉल दिया गया, उसके मुताबिक बनाया जाएगा। इसको मनरेगा CSR फंड या पंचायती राज के फंड से पूर्ण कराया जाएगा। ये चिन्हीकरण कर लिया गया है, जमीनी विवाद जो है उसको हल कराने की कार्रवाई की जा रही है, अगर कहीं पे है। वैसे वो ज़्यादातर जो तालाब है नए तालाब है, मिनिमम मानक है 1 एकड़ से ऊपर होना चाहिए। और उस तालाब में जो है हमारे ध्वजारोपण की भी व्यवस्था की जाएगी, उसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा, उसको एक जो है हम लोग जो साफ सुथरे पानी से भरेंगे, इनलेट आउटलेट बनाया जाएगा और जो भी दिशा निर्देश दिए गए उसको पूर्ण कराया जाएगा। ये जो 100 तालाबों का लक्ष्य है हमें 15 अगस्त 2022 से पहले पूर्ण कराना है।